Welcome back, my dear students. Today we will do the second part of the chapter, The Most Beautiful Things. Now we are doing the question answers. So let's come to the question number 4. The most beautiful thing cannot be brought to you. You must go to it. Who tells this to whom? Write a few lines about this person. The question is, I think you all have understood what is the question. The most beautiful thing cannot be brought to you. ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट किसने कहा, किससे कहा, कुछ लाइंस बताइए उस पर्सन के बारे में. ओके, नाउ योर आंसर इज द मैन विद द बियर्ड टेल्स दिस टू द क्वीन. दिस मैन टेल्स द क्वीन दैट ही हैज बीन वेटिंग टू मीट द क्वीन फॉर 2 days. ही टेल्स दैट शी हैज टू गो इन सर्च ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. He disappears after he says it. The queen is interested in what this man tells her, but the advisor asks her not to listen to him. This man seems to be a wise man. The next question is, what are the different things the queen see? किन अलग अलग चीजों को queen ने देखा? Now your answer. The queen sees many beautiful things in her journey. The first thing he sees in her own castle. She then sees birds flying back to their nest, a newly born calf, twinkling stars and much more. She sees beauty in everything. क्या देखा उसने अपने रास्ते में, अपनी जर्नी में? पहले तो उसने अपना खुद का कैस्टल देखा, उसके बाद उसने बर्ड्स देखे जो अपने घर जा रहे थे, देन आफ्टर उसने न्यूली बॉर्न एक काफ देखा, एक गाय का बच्चा देखा, ट्विंकलिंग स्टार्स को देखे और भी बहुत कुछ. और उसने देखा हर एक चीज में उसने ब्यूटी देखी, सब कुछ उसे ब्यूटीफुल लगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्लेसेस वेयर द क्वीन लीव्स बिट्स ऑफ हर क्राउन. आंसर इज ऑन हर वे बैक टू पैलेस द क्वीन लीव्स पीसेस ऑफ हर क्राउन बाय एन ओल्ड ट्री, अ ग्रीन वैली एंड अ स्नो कैप्ड माउंटेन. शी ड्रॉप्स अ पीस इन अ स्ट्रीम. शी टाइज अ पीस ऑन टू द मैन ऑफ अ पॉनी. स्टूडेंट्स, इट वॉज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिए आपको कैसा लगा. थैंक यू. और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी चैनल को मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है. थैंक यू वेरी मच.